हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 10th of January 2021। 10 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट किया, जिसमें हम पूरा साल भर से ज़्यादा का करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, प्लस जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसकी जिस्ट को पूरा समझेंगे और रिवाइज इंक्लूडेड रहेगा। एंड इसके साथ साथ 200 से 300 लगभग क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। सो दैट इज द थिंग विच वी विल बी डूइंग इन आर रिवीजन सीरीज दिस ईयर। बहुत ज़्यादा उसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इफ़ यू फील दैट कि आपका थोड़ा वीक रह गया है, आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनानी चाहिए करंट अफेयर्स में, सो यू कैन ज्वाइन द सीरीज। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दी गई है, और डेमो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। 15 जनवरी से लेक्चर्स जो क्लासरूम लेक्चर्स हैं मेन, वो अपलोड होने लगेंगे, लेकिन डेमो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी लिंक भी नीचे है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल GS1 GS2 का पेपर हो गया, GS1 GS2 हमने डिस्कस भी किया, और इससे हमको एक और चीज़ पता चलती है कि द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया या एडिटोरियल सेक्शन जो स्पेसिफिकली हो गया, उसको मिस नहीं किया जा सकता। ओके, तो थोड़ा सा हमको और ज्यादा अवेयर रहना है, थोड़ा और ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत है, और कोशिश करनी है कि हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल्स हो सकें वो डिस्कस करें, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल्स हो सकें वो हम डिस्कस करने की कोशिश करें। सो कुछ हम भी उसमें देखते हैं, कुछ क्या ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इसको, लेट्स सी ऑल दैट थिंग। एंड मूव करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। सबसे पहले आज का सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गैंजीज रिवर डॉल्फिन। तो गैंजीज रिवर डॉल्फिन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है, दीज डॉल्फिन्स कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर एंड आर एसेंशियली ब्लाइंड। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज इन द IUCN रेड लिस्ट। अब आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, बिल्कुल सही। एसेंशियली ब्लाइंड होते हैं, ये भी सही है, एंड लिव ओनली इन फ्रेश वाटर, ये भी सही है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये गलत है, क्योंकि ये इंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस में, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसलिए 1 and 2 विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी इज अ मेजर कॉज ऑफ अनीमिया। दूसरा है, द प्लस एफ लोगो हैज बीन नोटिफाइड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई द 45 फूड्स। तो जब प्लस एफ लिखा रहता है वो 45 फूड, उसका मतलब होता है ये सही के गलत। तो आपको बताने में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 only 2 only बोथ या नन। तो लेट मी टेल यू द आंसर, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर किया करिए, अटेम्प्ट जरूर करिए। जैसा कि मैं आपको जब चीज़ें बताता हूँ तो मैं कई बार बोलता हूँ कि ये मेंस में इस तरीके से आप लिखेंगे मेंस, और देखो वो चीज़ें आती भी हैं। जब RTI का अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि वो पूछ सकता है कि किस तरीके से इसकी इंडिपेंडेंस को इम्पैक्ट पड़ेगा, और देखिए कल वो क्वेश्चन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था वहाँ पे, कि वो किस तरीके से जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। एंड वही मैं बोलता हूँ ना कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुना करिए। एडिटोरियल में स्पेसिफिकली मैं कई बार आपको बताता हूँ कि वो चैलेंजेस पूछेगा, तो ऐसे लिख देना, इसमें ऐसे लिख देना, उसमें ऐसे। और COVID-19 में इनइक्वालिटीज भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से बढ़ेंगी, जो गरीब है और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर बाद में एग्जाम में, वो चीज़ें आपको पकड़नी है। इसके दोनों आंसर ही सही हैं, दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं, अनीमिया का कॉज आयरन की डिफिशियंसी है, और दूसरा भी सही है कि प्लस एफ जो है वो 45 फूड को जस्टिफाई करता है। तीसरा जो सवाल है वो है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि अपेडा, इज मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए अपेडा को कहा गया है। फर्स्ट इज डेयरी प्रोडक्ट्स, सेकंड इज हनी, जैगरी एंड सुगर प्रोडक्ट्स, थर्ड इज हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स। आपको बताना है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, ऑल ऑफ द अबव। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर, नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे मूव करते है इंपॉर्टेंट, जो कि बतानी जरूरी है, कि नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज। याद रखिएगा, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021। तो याद रखिएगा, एन केव्स फोरम हुआ है 2021 का,
क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021। अब ये जो फोरम हुआ है इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है ना, इसने ऑर्गेनाइज किया है एनकेव्स इंडिया फोरम 2021। अब एनकेव्स इंडिया फोरम है क्या, इसको ऑर्गेनाइज किया मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विद यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन, जिसको यूएनएसडी बोलते हैं, यूएनएसडी यानी कि यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन के साथ मिलकर के किया है। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और यूएन एनवायरमेंट, याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन एंड यूएन एनवायरमेंट भी इसके साथ है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन, यूरोपियन यूनियन और आपका यूएन एनवायरमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट इंडियाज अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, टू प्रायोरिटाइज द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एनसीए इन इंडिया, यानी कि नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। तो देखो क्या होता है कि जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज है उसका वैल्यूएशन, उससे हमको कितनी सर्विसेज मिल रही है, उसका कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट हमको पड़ रहा है, ये सारी चीजें नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग के अंतर्गत आएंगी, है ना। इसके अलावा टू फेमिलराइज स्टेक होल्डर्स विद द वर्क अंडरटेकन बाय डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज इन द एरिया ऑफ नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, तो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग के फील्ड में दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम कर रही हैं इसको बताना स्टेक होल्डर्स को, एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सेलेक्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू प्रेजेंट देयर रिसर्च कंडक्टेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज के वैल्यूएशन के लिए इंस्टीट्यूशंस को एक रिसर्च का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ये सारे काम जो है ये एनकेव्स फोरम के अंतर्गत किए जा रहे हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एनकेव्स फोरम, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो। अगली जो न्यूज है वो है वैक्सीनेशन ड्राइव टू स्टार्ट ऑन जनवरी 16। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है अब जो इस बार का सबसे मतलब कहना चाहिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो इस बार इंडिया का, वो है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को फुलफिल करना और कंप्लीट करवाना। ऑब्वियसली बात है सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा, उसके बाद आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, उसके बाद जो 50 ईयर से एज से ज़्यादा है और मॉर्बिडिटीज़ के शिकार हैं उनको दिया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट शॉट देखो लिखा है 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स विल गेट द वैक्सीन फर्स्ट, देन 27 करोड़ पीपल अबव 50 एंड दोज बिलो 50 विद को मॉर्बिडिटीज विल गेट इट नेक्स्ट, ये बताया गया है। जो प्लान बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से है। फिर टेक्नोलॉजी ड्राइव में देखो लिखा है 79 लाख बेनिफिशरीज हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन कोविन, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द इनोक्यूलेशन ड्राइव। तो एक अलग से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कोविन प्लेटफॉर्म। तो कोविन में जो है एक डिजिटल डेटाबेस की तरह काम करेगा और यहां पर उन सारे बेनिफिशियरीज के नाम, उनकी डिटेल, आपने तो शायद शीट नहीं देखी होगी, आई हैव सीन द शीट ऑल्सो, पूरा डेटा लिया गया है, बहुत सारा डेटा लिया गया है, लगभग आपके समझ लीजिए 20 से 25 कॉलम्स है जिसमें डेटा भराया जाता है, है ना। उसके बाद अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा चला गया है, सो दैट फॉर दैट रीजन आई नो दैट थिंग। एंड यहां पर क्या है कि बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और ये भविष्य में भी काफी काम आ सकता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो तो 61,000 प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, 2 लाख वैक्सीनेटर्स एंड 3.7 लाख अदर वैक्सीनेशन टीम मेंबर्स हैव बीन ट्रेन्ड सो फार इन द स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल्स। तो ये काफ़ी बड़ा ड्राइव है, बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल, मेरा कहना चाहिए कि बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, अगर ये फुलफिल हो जाता करना है तो बहुत बड़ा, इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है, किस तरीके से कंप्लीट होता है फाइनली। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। आप गवर्नमेंट लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले द रोल ऑफ वेटलैंड मित्रास। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रही है कि वो रोल प्ले करें ऑफ द वेटलैंड मित्रास का। अब देखो वेटलैंड मित्रा टर्म कहाँ से आया, तो वेटलैंड मित्र टर्म आया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है उसने ये वेटलैंड मित्रास का टर्म दिया था टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन। अब देखो ये भी, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अब हो सकता है डायरेक्टली ये प्रिलिम्स में ना पूछे, बट जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ही कोट करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स इंडिया में उठाए गए हैं, क्या उठाने चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन में आप कहीं ना कहीं ये डालोगे कि वेटलैंड मित्रास का इस्तेमाल करना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन
बढ़ाना चाहिए, रोल ऑफ पब्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें डालेंगे वहां पर आप। ये जब डालेंगे तो इट गिव्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ निक इन योर आंसर राइटिंग। वही चीज है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा दूसरों से अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो, अदरवाइज जो बेसिक चीजें वो सब हर एस्पिरेंट कर रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं दूसरा नहीं पढ़ रहा है वो भी गलत है, अगर आपको लग रहा है आप ये किताबें पढ़ रहे हैं दूसरा नहीं पढ़ रहा है वो भी आपकी थॉट प्रोसेस गलत है। एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, हर व्यक्ति वो बेसिक थिंग कर रहा है, लेकिन अगर आपको सेलेक्ट होना है तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वेटलैंड मित्रास का कंसेप्ट दिया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सेम इन द पीपल, लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिस इनवाइटिंग इंटरेस्टेड पीपल टू अप्लाई फॉर बींग वेटलैंड मित्रास, एंड वेटलैंड जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में, बायोडाइवर्सिटी में, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, फ्लड कंट्रोल करने में। देखो क्या होता है, वेटलैंड एक तरीके से एक फोम आपने यूज किया होगा ना, जिससे बर्तन साफ करते हैं वो फोम होता है जिसमें जो पानी अब्जॉर्व कर लेता है, फिर उसको दबाओ तो पानी बहुत सारा निकाल भी देता है। तो देखो ये फोम जो है ना, ये समझ लो वेटलैंड है, ये फोम ही वेटलैंड है। एक्स्ट्रा पानी होगा तो एब्जॉर्व कर लेगा, यानी कि बाढ़ होगी तो बाढ़ से बचा लेगा, और अगर पानी कम है तो अगर आप इसको दबाओगे तो इससे पानी भी निकलेगा। मतलब वही वाली बात है, ये फोम की तरह काम करता है वेटलैंड, जो एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्व कर लेता है, जब पानी की कमी हो तो वहां से उसको थोड़ा सा स्क्वीज करने में पानी निकल भी आएगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ वेटलैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है एक इंटरनेशनल एनजीओ है, याद रखिएगा इट्स एन इंटरनेशनल एनजीओ, और ये बनी थी 1961 में बनी थी, इंटरनेशनल एनजीओ है, और इसका जो मेन एम है वही है कि वाइल्डनेस प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे जो ह्यूमन इंपैक्ट है उसको कम से कम करना है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब कोई रिपोर्ट क्या ये निकालता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये निकालता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड निकालता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, याद रखिएगा हर दो साल में पब्लिश होती है, पहली बार 1998 में पब्लिश की थी। तो याद रखिएगा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हर दो साल में पब्लिश होती है, पहली बार 1998 में वर्ल्ड पब्लिश की थी, एंड इट इज बेस्ड ऑन लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। इसके अलावा एक इंडेक्स निकालता है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी है जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF करता है, वो है अर्थ आर। अर्थ आर जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो WWF ही करता है, अर्थ आर जो है मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो अर्थ यही करता है। फिर डेट फॉर नेचर स्वैप, डेट फॉर नेचर स्वैप, याद रखिएगा डेट फॉर नेचर स्वैप भी जो है वो आपका काम यही करता है, WWF ही करता है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। WWF भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, ठीक है ना। बैनर घट्टा पार्क जो है इसका नाम देखो लिखा हुआ है, ड्रॉप इन विजिटर्स एट द बैनर घट्टा पार्क, लोगों की संख्या कम हुई है। बैनर घट्टा याद रखेगा, इट इज इन कर्नाटका, है ना, कर्नाटका में है लोकेटेड ये, इसका नाम याद रखेगा। अगली जो न्यूज है, 17 आवर्स इन एयर विमेन क्रू फ्लाइंग इन टू हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो ऑल विमेन क्रू है, ऑल विमेन कॉकपिट क्रू ऑफ द एयर इंडिया, ये फ्लाइट है फ्रॉम बेंगलोर टू सैन फ्रांसिस्को। तो बेंगलुरु से लेकर के सैन फ्रांसिस्को की जो फ्लाइट है, ऑल विमेन कॉकपिट क्रू जो रहेगा उसको कंडक्ट करेगा, एंड दिस इज मतलब कहना चाहिए 17 घंटे की ये फ्लाइट रहेगी, एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट जर्नीज इन वन गो, एक गो में सबसे बड़ी जर्नी के रूप में है, एंड दिस विल बी मोर देन 17 आवर्स कहना चाहिए, एयर इंडिया की है। ऑल विमेन कॉकपिट क्रू कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन जोया अग्रवाल, जोया अग्रवाल कैप्टन, कैप्टन पापागिरी थानामाई, देन कैप्टन आकांक्षा सोनावारे, एंड कैप्टन शिवानी मनहास, दीज आर द पीपल हु विल बी देयर, जो यहाँ पे पायलट का रोल प्ले करेंगी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैप्टन जोया अग्रवाल इज द कमांडिंग एयर इंडियाज फर्स्ट नॉन स्टॉप सैन फ्रांसिस्को बेंगलुरु सर्विस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीट है, 17 आवर्स इन एयर इंडियन वुमेन, ये भी सॉफ्ट पावर का हिस्सा आता है, अगर आप कभी सॉफ्ट पावर पर लिखने के लिए आए तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं।
अगली जो न्यूज है वह कलरी पयत्तू एकेडमी ब्रेसेस फॉर एक्शन। तो केरला में कलरी पयत्तू एकेडमी जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड दिस ओल्ड 3000 ईयर ओल्ड मार्शल आर्ट। तो कलरी पयत्तू के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो याद रखेगा इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट है कलरी पयत्तू, स्पेशली केरला में काफी ज्यादा है और वहां पर स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए कलरी पयत्तू एकेडमी का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और मार्शल आर्ट भी जैसे गटका, गटका अगर आपसे कोई पूछे गटका कहां का है तो गटका पंजाब का है, गटका इज फ्रॉम पंजाब। देन थंगटा, थंगटा इज फ्रॉम मणिपुर, याद रखिएगा थंगटा इज देयर अगेन देयर फ्रॉम मणिपुर। और आपका कलरी पयत्तू तो आप जानते ही दैट इज फ्रॉम योर केरला। तो कलरी पयत्तू हो गया, थंगटा हो गया या गटका हो गया, दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग योर दिस मार्शल आर्ट एंड कलरी पयत्तू सब में से ओल्डेस्ट है, ठीक है ना। कलरी पयत्तू सबसे पुराना 3000 साल पुराना है। आगे मूव करते हैं न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है, यू कैन मूव विद मी। इंडियन वैक्सीन रेडी टू सेव ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भैया हमारी कंट्री जो है वो आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर इतनी है कि हमारे पास दो दो वैक्सीन ऐसी जो हमने खुद ने मैन्युफैक्चर किए, ठीक है। हमने थोड़ा हेल्प ली जरूर, जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से हमने हेल्प ली, तो हमने कोविशील्ड बनाई है ना, वी फॉर्म्ड कोविशील्ड जिसको कि आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाया। और दूसरी चीज जो हमने बनाई वो है भारत बायोटेक, यानी जो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक है उसने कोवैक्सीन बनाई, ठीक है ना। एंड टुडे इंडिया इज रेडी टू सेव ह्यूमैनिटी विद टू मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना की दो वैक्सीन मेड इन इंडिया है एंड वी आर रेडी टू सेव ह्यूमैनिटी विद दैट। इसके अलावा पहले हम पीपी किट, मास्क, वेंटिलेटर तक इंपोर्ट करते थे, मतलब एक समय ऐसा था जब हम ये सारी चीजें इंपोर्ट करते थे और आज वो समय है जब हम ये चीजें प्रोवाइड करेंगे लोगों को। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग एंड जो सेल्फ रिलायंस होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, ट्विटर बैन्स डोनाल्ड ट्रंप साइटिंग रिस्क ऑफ वॉयलेंट इंसाइटमेंट। तो वॉयलेंस इंसाइटमेंट के रिस्क को देख करके ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसको बैन कर दिया है, ठीक है ना। ही हैज बैंड, ट्विटर हैज बैंड द डोनाल्ड ट्रंप्स अकाउंट फॉर दैट रिगार्ड। रिमूवल ऑफ वॉर विक्टिम्स मेमोरियल एट जाफना यूनिवर्सिटी स्पार्क्स टेंशन। तो ये श्रीलंका की न्यूज है, अ टेंस सिचुएशन एट द जाफना यूनिवर्सिटी ऑन सैटरडे एज डजन्स ऑफ लोकल स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिशियंस गैदर्ड ओवरनाइट प्रोटेस्टिंग द रिमूवल ऑफ अ वॉर मेमोरियल। तो इस कैंपस में एक वॉर मेमोरियल था, जाफना यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक वॉर मेमोरियल था जो कि रिमूव कर दिया गया बाय द अथॉरिटीज, उसको रिमूव कर दिया गया है। बुलडोज्ड अ स्कल्पचर ऑफ हैंड्स हेल्ड आउट ऑफ वाटर erected in the memory of several thousands of civilians brutally killed in the final phase of civil war। तो जो श्रीलंकन सिविल वॉर है उसके फाइनल फेज में जो सिविलियंस ब्रूटली किल हुए थे उनके याद में वो मेमोरी में वो जाफना यूनिवर्सिटी में एक बनाया गया था एंड दैट हैज बीन बुलडोज्ड, दैट हैज बीन रिमूव्ड इन द मुला इन द मुल्ली वहीकल इन श्रीलंकाज नदन मुल्लीवत्तू डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखेगा श्रीलंका के ही मुल्ली वहीकल में और मुल्लाई तीवू डिस्ट्रिक्ट नाम में ये चीज़ें हुई हैं जाफना यूनिवर्सिटी, याद रखेगा। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई कल को अगर यूपीएससी ने पूछ लिया आपसे जाफना यूनिवर्सिटी के बारे में या तो वहाँ पे आप इस तरह से ऐसा ना सोचने लगो कि ये क्या ही पूछ लिया जाफना यूनिवर्सिटी और गुजरात में मार दो, है ना। बैक्टीरियल हाउटे कूटेर, यहाँ पे क्या है बेसिकली, कोबाल्ट यूज्ड इन बैटरीज इट्स टॉक्सिक टू लिविंग थिंग्स। क्या होता है, कोबाल्ट जो होता है बैटरीज में यूज होता है वो टॉक्सिक होता है टू द लिविंग थिंग्स। नाउ द मेटल सीप्स इनटू द सेल्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरियाज एंड किल्स देम। क्या करता है कोबाल्ट जो होता है वो बैक्टीरियाज के सेल्स में सीप कर जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी रिसर्चर्स ने दो ऐसे बैक्टीरियाज को ढूंढा है, जियोबैक्टर, एक है जियोबैक्टर विच इज द बैक्टीरियम फाउंड इन सॉइल एंड सेडिमेंट इनकाउंटर्स कोबाल्ट। अगर जियोबैक्टर जो है, अगर ये सॉइल में पाया जाता है, जियोबैक्टर सॉइल में पाया जाता है, तो अगर इस बैक्टीरिया में कोबाल्ट अगर आप दे दो तो इट कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम रस्ट एंड कोट देमसेल्स विद इट। क्या करता है ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है कोबाल्ट को और अपने आप को कोट कर लेता है उसी से। सो दिस माइक्रोब, इसकी जो ये एबिलिटी है, इट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट कोबाल्ट फ्रॉम बैटरीज एंड रिसाइकल इट। तो इसकी इसी एबिलिटी का यूज करके, जियोबैक्टर की इस एबिलिटी का यूज करके कोबाल्ट एक्सट्रैक्शन के लिए उसका काम किया जा सकता है, उसका काम लिया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। न्यू चैलेंजेस फॉर कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल्स इन इंडिया। अब जो वैक्सीन ट्रायल्स हो रहे हैं उसके क्या चैलेंजेस हैं, नए चैलेंजेस। तो एक्चुअली यहाँ पे एक ही चैलेंज मेन बताया गया है, वो है
कि अब चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि वैक्सीन नहीं आ गई है। अब वैक्सीन नहीं आने से ऑलरेडी वैक्सीन आ गई है, तो अब जो ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स के लिए उनको जो वॉलंटियर्स चाहिए थे या पार्टिसिपेंट्स चाहिए थे फॉर द फेज 3 ट्रायल्स, वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, लोगों को भी लग रहा है ठीक है वैक्सीन तो आ ही गई है। तो फेज 3 ट्रायल्स के जो वॉलंटियर्स हैं या जो कहना चाहिए जो पार्टिसिपेंट्स थे फॉर द ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन, वो अब नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आइडेंटिकल ट्विंस aren't परफेक्ट क्लोन्स स्टडी शोज। अब एक स्टडी की गई है जिसमें पता क्या है कि 15% आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे थे जिन्होंने लगभग 100 से ज्यादा जेनेटिक डिफरेंसेस दिखाए हैं। तो अगर यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि आइडेंटिकल ट्विंस आर 100% सेम या आइडेंटिकल ट्विंस हैव नो जेनेटिक डिफरेंस, तो बिल्कुल गलत है। 15% आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे हैं जिनमें लगभग 100 से ज्यादा जेनेटिक डिफरेंसेस देखने को मिला है। तो आइडेंटिकल ट्विंस जो एग्जैक्ट जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं, ये एक बड़ी रिसर्च है और इसका यूज यूपीएससी प्रीलिम्स में कर सकता है, जैसा कि मैंने बताया वैसा कर सकता है। और आप भी उसके लिए तैयार रहिएगा कि अगर वो ऐसे लिख देता है कि 100% सेम होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है, पहले क्या माना जाता था कि सीधे पहले ये माना जाता कि जो भी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो बिकॉज ऑफ द वो डिफरेंस जो आ रहा है वो बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स या इन कारण से आ रहा है। लेकिन अब जो है वो समझ में आया कि जेनेटिक डिफरेंस एक्चुअली में वो जेनेटिक डिफरेंस है, ठीक है ना। तो दैट इज द जेनेटिक डिफरेंस, याद रखिएगा। और 100 से ज्यादा जेनेटिक डिफरेंस भी देखने को मिले हैं। डिकोडिंग अ मीटियोराइट दैट फेल नियर जयपुर इन 2017। अब जयपुर में 2017 के पास एक मीटियोराइट गिरा था, उसके बारे में मुकुंदपुरा नाम के विलेज में जयपुर में गिरा था मीटोराइट, उसकी स्टडी की जा रही है और उसका नाम था मुकुंदपुरा CM2। अगर आपसे कोई पूछे कि मुकुंदपुरा CM2 क्या है, तो मुकुंदपुरा CM2 एक मीटियोराइट था, एक याद रखिएगा मीटियोराइट था जो कि 2017 में जयपुर में गिरा था, मुकुंदपुरा CM2। एंड एक स्टोनी मीटियोराइट था, इट वॉज अ स्टोनी मीटियोराइट विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव मीटियोराइट। स्टोनी मीटियोराइट को बहुत ज्यादा प्रिमिटिव मीटियोराइट माना जाता है। अब यहाँ पे इस न्यूज में ऑथर ने बेसिकली मीटियोराइट्स के टाइप बताए, इसको लिख लेना कि मीटियोराइट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला है स्टोनी टाइप। स्टोनी टाइप यानी सिलिकेट रिच जो मीटियोराइट होता है वो स्टोनी टाइप कहलाता है। सिलिकेट रिच जो मीटियोराइट होता है वो स्टोनी टाइप कहलाता है। देन दूसरा आयरन, आयरन में जो आयरन निकल एलॉय वाला जो FeNi का जो एलॉय होता है, दैट इज द आयरन मीटियोराइट। और तीसरा है स्टोनी आयरन टाइप। स्टोनी आयरन टाइप जिसमें मिक्स्ड सिलिकेट आयरन एलॉय हो, मिक्स्ड सिलिकेट आयरन एलॉय, तो ये कौन सा होता है, स्टोनी आयरन टाइप, ठीक है ना। फिर कॉन्ड्राइट्स आर सिलिकेट ड्रॉपलेट बियरिंग मीटियोराइट्स, याद रखिएगा। फिर एक कॉन्ड्राइट्स नाम की चीज है, कॉन्ड्राइट्स क्या है, दे आर सिलिकेट ड्रॉपलेट्स बियरिंग मीटियोराइट्स, याद रखिएगा। एंड दिस मुकुंदपुरा कॉन्ड्राइट इज द 5th कार्बोनेशियस मीटियोराइट नोन टू हैव फॉलन इन इंडिया। ये 5th कार्बोनेशियस मीटियोराइट था, ये मीटियोराइट था कार्बोनेशियस मीटियोराइट था, और याद रखेगा इट्स अ कॉन्ड्राइट सिलिकेट ड्रॉपलेट बियरिंग मीटियोराइट। सिलिकेट सिलिका रिच वाला ऑलरेडी स्टोनी होता है, देखो मैंने बताया है ना ऊपर, सिलिकेट यानी कि स्टोनी, और आयरन वाला जो है वो आयरन, और तीसरा स्टोनी आयरन जिसमें मिक्स्ड सिलिकेट आयरन अलॉय है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कुछ और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे ओसाइरस रेक्स चल रहा है। ओसाइरस रेक्स प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है कि एक बेन्नू नाम का एस्ट्रॉइड है जहाँ से सैंपल कलेक्ट करके 2023 में वापस आया जाएगा। वहीं पे एक रिगू नाम का जो एस्ट्रॉइड है वहाँ से जापान का हायाबूसा 2 मिशन जो है वो लैंड किया, इट लैंडेड ऑन अर्थ। जापान का हायाबूसा 2 मिशन ये अर्थ पे आया एंड इट कलेक्टेड सैंपल फ्रॉम द रिगू एस्ट्रॉइड, रिगू एस्ट्रॉइड से कलेक्ट किया। और आपका बेन्नू एस्ट्रॉइड से ओसाइरस रेक्स 2023 में लेकर के आएगा, ठीक है ना। और रिगू से कौन लेकर के आया, हायाबूसा 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मीटियोरॉइड मीटियोर और मीटियोराइट इनमें डिफरेंस बता दूं। देखो क्या होता है कि जब तक वो चीज़ मतलब अपने इसके बाहर है, मतलब अपने एटमॉस्फेयर के बाहर है, अगर वो चीज़ स्पेस में है जिसमें डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्ट्रॉइड्स ये सब चीज़ें हैं, स्पेस रॉक्स जिसको कहा जाता है, वो मीटियोराइड कहलाते हैं। मीटियोराइड्स आर द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, रॉइड ID जो इसमें लिखा रहता है। फिर जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं, व्हेन दे कम टू द अर्थ एटमॉस्फेयर अंदर आते हैं, ठीक है ना। देखो अर्थ के एटमॉस्फेयर आते हैं, इतने हीट रहती को जलने लगते हैं, तो ये स्पार्किंग फायरवॉल की तरह दिखते हैं, शूटिंग स्टार की तरह दिखते हैं, ठीक है ना।
तो ये कहलाते हैं मीटियोर, शूटिंग स्टार की तरह कहलाते दिखते हैं और मीटियोर कहलाते हैं जब अर्थ के एटमॉस्फेयर। लेकिन कई बार क्या होता है ये ऊपर पूरे नहीं जल पाते, वैसे तो पूरे जल जाते हैं कई बार पूरे नहीं जल पाते, नहीं जल पाते उनका थोड़ा सा टुकड़ा अर्थ पे गिर जाता है, तो जो टुकड़ा अर्थ पे गिर जाता है जब वो हिट कर जाता है तो वो मीटियोरॉइड कहलाता है, मीटियोराइट कहलाता है। तो रॉइड, मीटियोर एंड राइट, ये तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा जब तक स्पेस में। तो रॉइड जब अंदर आया जलने लगा शूटिंग स्टार के जैसा तो मीटियोर, और जब पूरा नहीं जल पाया और थोड़ा सा पार्ट उसका अर्थ पे गिर गया तो मीटियोराइट, याद रखेगा ठीक है। आगे मूव करते हैं तो हार्नेसिंग व्हाट आइंस्टीन कॉल्ड स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यहां पर बेसिकली क्या बात चल रही है, क्वांटम उसकी बात चल रही है, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। अब इंडिया में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने 8,000 करोड़ बोला कि क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए किया जाएगा, और इंडिया में नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन चल भी रहा है, याद रखिएगा इंडिया में एक मिशन चल रहा है जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इट हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन आउट एंड वैसे फाइनलाइज है लेकिन इसको अप्रूवल अभी नहीं मिला है, लेकिन वैसे फाइनलाइज है। अगर आप देखें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था क्वेस्ट नाम का, याद रखिएगा इसको लिख लो, क्वेस्ट नाम का प्रोजेक्ट है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेस्ट प्रोजेक्ट क्या है तो बेसिकली इट्स अ 200 करोड़ रुपी बजट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंगेजिंग विद द रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में इन्वॉल्व करना रिसर्च को और उसको और बढ़ाना, क्वांटम फील्ड में रिसर्च को और आगे बढ़ाने के लिए क्वेस्ट नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। आगे देखें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का नॉलेज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एग्जांपल है, काफ़ी बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया उधर ने, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इवन टू ऑब्जेक्ट्स से टू पार्टिकल्स ऑफ लाइट कॉल्ड फोटॉन्स आर इन एन इंटेंगल्ड स्टेट, जब दो ऑब्जेक्ट या दो पार्टिकल्स जो है लाइट के वो जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं अगर वो इंटेंगल्ड स्टेट में है तो एक की स्टेट में अगर आप कोई चेंज करोगे, जैसे मान लो ये दो इंटेंगल्ड स्टेट में है, सपोज दो इस तरीके से ये तीन इंटेंगल्ड स्टेट में है, तो अगर आपने किसी एक में चेंज किया तो दूसरे में ऑटोमेटिकली स्पिन में उतना चेंज आ जाएगा। यही जो प्रॉपर्टी है उसका यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट मैसेजेस एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये इंटेंगलमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज किया जा सकता है फॉर सेंडिंग कम्युनिकेशन, फॉर सेंडिंग मैसेजेस एंड फॉर सेंडिंग सीक्रेट कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है ना। इन जून 2020 चाइना डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग द सैटेलाइट मीसियस। अब चाइना ने क्या किया था, मीसियस टेक्नोलॉजी जो मीसियस सैटेलाइट थी उनकी उसके थ्रू यही कम्युनिकेशन किया था उन्होंने। तो याद रखिएगा जो चाइना है उसने मीसियस सैटेलाइट के थ्रू ये क्वांटम कम्युनिकेशन को ही डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ठीक है। तो इंटेंगलमेंट जो है बेसिकली प्रॉपर्टी, याद रखिएगा इंटेंगलमेंट की जो प्रॉपर्टी है फोटॉन्स की, कि जब दो फोटॉन्स जो इंटेंगल स्टेट में रहते हैं तो अगर आप किसी एक का मतलब स्पिन चेंज करोगे तो दूसरे का स्पिन ऑटोमेटिक चेंज होगा। देखो लिखा है नेशनल मिशन जो क्वांटम टेक्नोलॉजी का, इट इज स्टिल टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज अंडर प्रोसेस, अप्रूवल अंडर प्रोसेस है एंड बहुत जल्दी अगर ये अप्रूव हो जाता है तो हम जल्दी से जल्दी इसमें काम कर सकते हैं। आगे देखिए द थ्रेट पोस्ड बाय एवियन इन्फ्लुएंजा डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे इस बार ऑथर ने सबसे पहले बताया कि कौन कौन से उनका आउटब्रेक्स हुआ है H5N1 एंड H5N8 का। अब ये जो आता है, ये आता है कैटेगरी ऑफ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, याद रखिएगा HPAI की कैटेगरी में आते हैं हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। एंड इसका मेन कंसर्न ये है कि इट लीड्स टू द डिसीज एंड डेथ ऑफ फाउल्स एंड कॉजेज इकोनॉमिक हैवॉक, यहाँ इकोनॉमिक हैवॉक बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक लॉसेज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एंड H5N1 इज नोन टू हैव थ्रेट्स टू ह्यूमन एज वेल। तो देखो दो तीन, एक है, एक तो अपनी जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि अपना जो एनिमल्स हैं पोल्ट्री है वो इफेक्ट होती है, दूसरी इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, इकोनॉमी उससे इफेक्ट होती है, और तीसरा उससे क्या होता है ह्यूमंस को भी ट्रांसमिट कर सकता है इसका कुछ वेरियंट, जैसे H5N1 एक वेरिएंट है जो ह्यूमंस को भी इंपैक्ट करता है, तो ये सारे उसके एक नेगेटिव इंपैक्ट के रूप में है। अब अगर देखा जाए तो हाउ सीरियस इज एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड हेल्थ, तो यहाँ पे चिकन्स, डक्स, टर्कीज, क्वेल्स ये सारे इफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ दिस। अब कुछ जो स्ट्रेन्स फैले हैं वो कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं, देखो तो H5N1, H5N2, H5N8, H7
N8, H5N1 एंड H7N9 जो है दे आर पोजिंग थ्रेट टू ह्यूमंस एज वेल। तो दो इसके जो वेरिएंट है H5N1 और H7N9, ये दोनों जो है ये ह्यूमंस को भी थ्रेट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर का कहना है कि लगभग 80,000 करोड़ का 80,000 करोड़ का ऑर्गेनाइज सेक्टर ये आपका इंडियन पोल्ट्री सेक्टर है, मतलब 80,000 करोड़ का इंडियन पोल्ट्री सेक्टर है और उसमें 80% जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और रेस्ट 20% जो है वो बैकयार्ड पोल्ट्री कीपिंग है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक मॉनेटरी वो भी इन्वॉल्व है इसके साथ साथ, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो लगभग 532 करोड़ का एक्सपोर्ट भी होता है इन 2017 अलोन, तो 532 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट भी इससे इम्पैक्ट में रहेगा बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट ऑफ एवियन फ्लू। क्या ये थ्रेट पहुंचाता है ह्यूमन बींग्स को? तो बिल्कुल पहुंचाता है। अगर आप H5N1 को देखें, H7N9 को देखें, H9N2 को देखें, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, H5N1, H7N9, H9N2। अगर इन तीनों को देखें तो ये तीनों जो हैं वो आपकी ह्यूमन बींग्स को भी इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है ना। एंड क्या ये पॉसिबल है कि आप इरेडिकेट कर लो इन्फ्लुएंजा को? तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इरेडिकेट द इन्फ्लुएंजा वायरस बिकॉज दे परसिस्ट इन द वास्ट रिजर्वॉयर्स ऑफ एक्वेटिक वर्ल्ड्स, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है। एंड पीरियोडिक आउटब्रेक इसीलिए होता रहता है, बीच बीच में आउटब्रेक होता रहता है इसी चीज़ के कारण, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दीज आर द थिंग विच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, द लॉजिस्टिक्स ऑफ अ मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव। अब ऑब्वियसली बात है, ये वही वाली बात है जो मैंने बताया कि बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार वैक्सीन प्रोवाइड करना। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और वो फिर 50 ईयर से ऊपर वाले को, फिर 50 ईयर से नीचे वाले को, वो लोग जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इसके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसको हम कोविन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। कोविन प्लेटफॉर्म में आपका पूरा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और पूरा उसमें जानकारी आपकी भरी जा रही है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होना शुरू हो गए हैं। सो दीज आर द थिंग्स हैव बीन मेंशनड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।